नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, यानी कि NHRC के बारे में। और इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ NHRC, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन, फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन, और लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर ऑफ द NHRC। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। दोस्तों, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इसके इंट्रोडक्शन की हमें बात करें तो हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी पिछली वीडियोस पर। पिछली वीडियोस में हमने बात करी इंटरनेशनल कोविनेंट की, यानी कि उन कोविनेंट्स की जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद में आए कन्वेंशंस, यानी कि नेबर कंट्रीज ने, जो भी पड़ोसी देश थे, उन्होंने मिलकर आपस में ट्रीटीज़ करी और अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने अमेरिकन कन्वेंशन लाए, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने आपस में ट्रीटीज़ करके यूरोपियन कन्वेंशन लाए, और जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उन्होंने आपस में ट्रीटी करके अफ्रीकन कन्वेंशन लाए। तो ये भी बात हुई इंटरनेशनल लेवल की। अब नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस कमीशन को लाया गया उसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से जानते हैं। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड ऑन 12th अक्टूबर 1993 एज पर प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC एक इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडीज़ है जिसके स्टैब्लिश किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के प्रोविजन के हिसाब से 12 अक्टूबर 1993 में। अब पढ़ते हैं कि NHRC होती क्या है। इट इज़ द वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रोमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंड बाय द एक्ट एज राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी फॉर द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोविनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स इन इंडिया। इसका मतलब अगर NHRC की बात करें तो एक वॉचडॉग होता है, एक रक्षक होता है ह्यूमन राइट्स का, जिसका काम है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, जो इस एक्ट में डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी जैसे राइट्स को प्रोटेक्ट करना किसी इंडिविजुअल के, और ये राइट जो दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और जिनको इन्फोर्स कराने का काम करता है इंडियन कोर्ट। अब बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC का ओरिजिन कैसे हुआ। तो 1991 में UN की एक मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर, जिसमें कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पेरिस प्रिंसिपल्स, और ये जो प्रिंसिपल था पेरिस प्रिंसिपल, ये बना फाउंडेशन ह्यूमन राइट कमीशन को लाने का। यानी कि सबसे पहला जो ह्यूमन राइट कमीशन आया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आया था, वो पेरिस में आया था। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने नेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को डेवलप किया, लागू किया। आगे पढ़ते हैं। इन परसुएंट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इंडिया हैज़ इनेक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 विद अ व्यू टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इन्हीं प्रिंसिपल्स के चलते इंडिया ने एक लॉ इनेक्ट किया जिसका नाम रखा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसका मेन काम था इंडिया के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। और इसी एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोविजन को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस कमीशन को लाया गया उसको कहा गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हम बात करते हैं कि इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया गया या इसमें मेंबर्स कितने थे और कौन कौन से मेंबर्स थे। तो अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स जो इसमें हैं, इस कमीशन में हैं, वो 8 हैं। पहले आता है एक चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट CJI रह चुका हो। फिर आता है वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो या अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का जज हो। फिर आता है वन मेंबर हु इज़ और हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उसमें से एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। फिर बात आती है टू मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमॉन्ग्स
पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। दोस्तों अभी तक जो मेंबर्स थे वो जुडिशियल मेंबर्स थे, अब जो आते हैं मेंबर्स यानी कि दो मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे उनकी नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अपॉइंट किए जाएंगे, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड या ह्यूमन राइट्स के मैटर्स में। अब आते हैं तीन मेंबर्स वो होंगे जो इन कमीशंस के चेयरपर्सन होंगे, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यानी कि इन तीनों कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे तीन वो मेंबर्स होंगे, टोटल हो गए 8 मेंबर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन। कमीशन में जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने टाइम का उनका ड्यूरेशन होता है और कैसे उनको हटाया जाता है, इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं चेयरमैन से लेकर बाकी 7 मेंबर्स को जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और जिसको रिकमेंड किया जाता है एक कमेटी के द्वारा जिसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब बात करते हैं इनके ड्यूरेशन की। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द NHRC आर अपॉइंटेड फॉर 5 years और टिल द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद चेयरपर्सन वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं या फिर 70 साल पूरे होने तक अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी पहले हो जाए, या तो वो उनका 5 साल का टर्म पूरा हो जाए या उनकी 70 साल पूरी हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा या फिर रिटायर कर दिया जाएगा। अब उन्हें रिमूव कैसे किया जाता है, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द चार्जेस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इफ प्रूव्ड बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उनको हटाया जाएगा सिर्फ अगर वो मिसबिहेव करते हुए पाए जाते हैं या इनकैपेसिटी उनकी पाई जाती है अपनी फील्ड में, और वो कैसे हटाए जाएंगे, एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी बाय अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, यानी कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ दी NHRC। तो पहली जो पावर है NHRC की वो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन से रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंसेज है, जितनी भी परेशानी है उनको इन्वेस्टिगेट करने की है। दूसरी अगर इसकी पावर की बात करें हम, तो NHRC के पास पावर है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करने की जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन से रिलेटेड हो। अगली अगर हम पावर की बात करें तो NHRC के पास पावर है किसी भी जेल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में विजिट करने की जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर उन लोगों की कंडीशन देखने के लिए। अगली पावर की बात करें तो NHRC कैन रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। यानी कि किसी भी लॉ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रिव्यू करने की पावर भी NHRC के पास है। NHRC के पास पावर है रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट की फील्ड में, यानी कि ह्यूमन राइट की फील्ड में अगर कोई रिसर्च की जा रही है तो उसको प्रमोट करने की पावर भी NHRC के पास में है। अच्छा, अगली जो पावर की हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट की फील्ड में अगर किसी चीज़ को, सिक्योरिटी को या प्रमोट करने की हम बात करें, उसको फैलाने की बात करें या लोगों को अवेयर करने की बात करें, उस कार्य को करने की पावर भी NHRC के पास में है। इट हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट एंड कैन ग्रांट इंटरिम रिलीफ। यानी कि इसकी पावर जो है, NHRC की पावर जो है वो सेम है सिविल कोर्ट के जज की तरह या सिविल कोर्ट की तरह, और ये इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू रिकमेंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और डैमेजेस। यानी कि अगर किसी के ह्यूमन राइट का वॉयलेशन होता है तो NHRC के पास पावर है उस व्यक्ति को रिलीफ देने की, उसको कंपनसेशन या उसको डैमेजेस दिलवाने की। तो दोस्तों ये था टॉपिक NHRC का या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज हैं तो हमें कमेंट करें या हमें मेल करें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।